अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, वक्त आ गया है दुआ की कबूलियत का। इसलिए सवाब की नियत से इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जिससे आप सवाबे दायरेन से मालामाल हो जाएं। साथ ही आप भी सवाब कमाने के लिए, नेकियां हासिल करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और इस अमल को आप जरूर करें। आप ये अमल कर लें, इंशाअल्लाह तबारक ताला आपकी हर जायज मुराद पूरी होगी। किसी को नौकरी की हाजत है, यानी जॉब की हाजत है, किसी को नेक रिश्तों की हाजत है, किसी को दौलत की हाजत है, किसी को बेटा या बेटी यानी औलाद की हाजत है, किसी को दुनिया और आखिरत की हाजत है। इस तरह की तमाम हाजतों को पूरा करने के लिए ये अमल आप करें, इंशाअल्लाह तबारक ताला आपकी हर जायज तमन्ना पूरी होगी, आपका हर बिगड़ा काम बन जाएगा, आपकी तमाम परेशानियां मुसीबतें अल्लाह के हुक्म से खत्म हो जाएंगी। आप जिस भी मुराद की नियत से ये अमल करेंगे, इंशाअल्लाह वो मुराद पूरी होगी। इस अमल को जानने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। अमल आपको इस तरीके से करना है। 15 शाबान की रात में ईशा की नमाज के बाद आपको 3 मर्तबा सूरह इखलास पढ़ना है, फिर अल्लाह के इस्म मुबारक या हकीमो या रज़ाको या मुजीबो, ये आपको 33 मर्तबा पढ़ना है। जब आप ये इस्म मुबारक 33 मर्तबा पढ़ चुके हैं, तो फिर 3 मर्तबा सूरह इखलास पढ़ें। अव्वल आखिर आपको 11-11 मर्तबा दुरूद पाक पढ़नी है। आपको जो भी आसान लगे दुरूद पाक, वो आप 11-11 मर्तबा अव्वल आखिर पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप बारगाह इलाही में अल्लाह के सामने रो रो कर, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगे। जो भी आपकी मुराद होगी, उस मुराद की दुआ आप अल्लाह से करें, इंशाअल्लाह तबारक ताला आपकी दुआ इंशाअल्लाह जरूर जरूर कबूल होगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ की दरखास्त के साथ।